होता, देखिए। आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है और जनता यहां पर अपने अपने उम्मीदवारों को देख रही है कि कौन कितना विकास कार्य कर रहा है और किसको आगे यहां से विजयी बनाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर में, यहां से जानेंगे कि जनता का रुझान किस तरफ है और किसको उम्मीदवार यहां से देखना चाहते हैं। बुलंदशहर में कितना कार्य हुआ है, सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, स्वास्थ्य के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे और तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ दीक्षित है, भारतीय जनता पार्टी से हूँ। क्या कहना, किसको वोट देंगे इस बार और किस वजह से देंगे? मैंने बोल दिया मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ तो मेरी वोट कहाँ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी में जाएगी, जाहिर सी बात है। और आप पिछली पंचवर्षीय देखिए, जो पिछली सरकारें गई हैं, आप इस पार्क में खड़े हो, पहले भी आते हो इस पार्क में, तो आपने कभी ऐसा पार्क देखा है क्या? पिछली सरकार गई है, आपने देखी है मशीनें यहाँ पर अच्छी हैं और पब्लिक अच्छी खासी अपने आराम से है और साफ़ सफाई है। आप सड़क पर अगर आप बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कुछ ना कुछ, कहाँ कुछ ना कुछ अलग है देखने के लिए, बहन बेटी भी सुरक्षित हैं, और इससे ज़्यादा आप क्या चाहेंगे? बुलंदशहर में विकास हुआ है, बुलंदशहर की अगर बात करें तो विकास तो सबसे पहले आप इस पार्क का देखिए ना, जब इतनी जब पार्क का अंदर विकास हो रहा है तो आप और चीज़ों को भी देखेंगे, इससे ज़्यादा आप सड़कों का हाल बहुत अच्छा है। मैं भी निकलता हूँ सुबह को, आप भी निकलते हो सड़कों का हालों पर, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बुलंदशहर के विकास कर रहे हैं पर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। देखिए, बुलंदशहर के विकास कर रहे हैं जग जाहिर है, और जैसे कि भैया हमारे दीक्षित जी ये बता रहे हैं कि सड़कों का हाल बहुत अच्छा है। अभी 3-4 महीने पहले एक हर्षवर्धन नाम का एक व्यक्ति सीवर खुदा हुआ था और उसमें जो है मर गया वो हादसे में, तो हाल तो ये है। और आप बाईपास पर जाइए, अभी तो इन्होंने क्या है कि जिला पंचायत का सारा फंड, सातों विधायकों ने खुशामद करके जिला पंचायत में जाकर सब सारा फंड जो है इनसे मांग लिया कि हमें चुनाव आ रहा है, हमें सड़कें बनवानी है, सड़कें सही करवानी है। इतने गड्ढे बुलंदशहर में, जितने गड्ढे बुलंदशहर की इन सड़कों पे हैं, जो मेन सड़कों पर बुलंदशहर में गड्ढे हैं, उतने गड्ढे कहीं किसी ज़िले में नहीं होंगे। और सातों विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी की, नगरपालिका चेयरमैन बीजेपी, सदर की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, बुलंदशहर के विकास पर इन्होंने अब निशाना साध दिया है, अब आपको बताना पड़ेगा कि विकास कितना हुआ है, कैसे हुआ है। मैं पंकज अग्रवाल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विकास किए हैं। आप देखिए, डेमकनी रोड से जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ फ्लाई ओवर बनवाया, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। और आप देखो बलीपुरा नहर, इसमें टाइल्स लगवा दी, पत्थर लगवा दिए और इतना सुंदर कार्यक्रम करा है कि कोई भी अपने बच्चे के साथ, परिवार के साथ एक पिकनिक पॉइंट बना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और इतने सारे आप देखिए कि हमारे बुलंदशहर से अगर हम मेरठ जाएंगे, केवल 1 घंटे का रास्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। इतने सारे हाईवे, इतने सारे बाईपास बनवाए, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप देखो, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। उन्होंने सभी को 2.5 लाख रुपये दिए घर बनाने के लिए, कोई भी गरीब हो उसको 2.5 लाख रुपए मिले हैं, 1,000 रुपये हर अकाउंट में गए हैं। चाहे ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। आप ये देखिए, 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड, मेरा व्यापारी, मेरा मजदूर आदमी, मेरा किसान आदमी, मेरा कोई भी आदमी जाए पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करा सकता। अच्छा, आप ये बताइए, व्यापार मंडल से आप रुचि रखते हैं, व्यापार मंडल में हैं आप, गोरखपुर में घटना हुई थी, कानपुर व्यापारी की हत्या हो गई थी, तो क्या लगता है उससे व्यापार मंडल कटेगा बीजेपी के प्रति? नहीं कटेगा। अब ये दुर्घटना तो कहीं भी किसी भी भारतवर्ष में हो सकती है, या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोड़ी हुई है, ये तो घटना हो गई, और घटना हुई जिस पुलिस द्वारा हुई, और उसको जो है दंड दिया गया पुलिस वाले को, और क्या व्यापारी वाले को सहयोग दिया गया। ये तो घटना उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ मर्जी हो सकती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो पुलिसकर्मी के साथ खिलाफ कर दी, उसको कार्रवाई करी, उसे दंड दिया जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। नितेश जी, दुर्घटना साबित कर दिया है कानपुर के व्यापारी, ये स्पष्टीकरण तो बहुत अच्छा दिया है भैया ने कि दुर्घटना हो गई और उस पर जो है खेत प्रकट कर दिया। ये तो पुरानी रीति है बीजेपी की। आप देखेंगे विवेक तिवारी, जिनको फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया, हुआ ये घटना हुई, ये भी घटना हुई थी लखनऊ के गोमती नगर में, ये घटना हुई थी। और इन्होंने ये पार्क की बात कर रहे हैं, सदर की पार्क की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक गंगानगर में बहुत अच्छा खूबसूरत पार्क बनाया है जिसको इन्होंने लीज पे उठा दिया, ठेकेदार उसमें ठेका लेते हैं, 10 रुपये एंट्री फीस है उसमें, उस पार्क का, नगर पालिका का पार्क, जमीन नगर पालिका की, अथॉरिटी की जमीन, इसमें इन्होंने
किस तरह से जो टेंडर उठाए हैं वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो 10 रुपये फीस है भाई साहब जाने की वहाँ पे, और उस पार्क में किस तरह से उन्होंने जो है सुविधाएं दी हैं और उस सब को कैप्चर कर रखा है जो कि आम ठीक है ठीक है ठीक है। और जानेंगे भैया क्या नाम है आपका? शशिकांत द्विवेदी। किसको वोट देना चाहेंगे इस बार? बीजेपी नेचुरली। क्यों? क्यों ये जो क्वेश्चन मार्क है क्यों नहीं, जहाँ मोदी जी और योगी जी हैं वो फुल स्टॉप होता ना कि क्वेश्चन मार्क। शीर्ष नेताओं को छोड़कर अगर ये विकास के मकसद से देखें तो यहाँ के विकास के मकसद से कितना यहाँ पर विकास हुआ है जिसकी वजह से आप वोट देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बताता हूँ, मैं बुलंदशहर सेल्फ की बताता हूँ। यहाँ जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी उससे पहले यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करने से डरते थे, उनका अपहरण हो जाता था। अब जो अपहरण करता है वो खुद उनका अपहरण हो चुका है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी तो यहाँ बिजली नहीं आती थी, 20,000 रुपये महीने व्यापारियों के जनरेटर के तेल फूकते थे, और आज आलम यह है कि बिजली 24 घंटे आती है, पलक नहीं झपकती है, और व्यापारी इतने चैन और अमन से रह रहा है कि जिसका मतलब कोई ठिकाने नहीं, और बाहर जाना छोड़ दिया है क्योंकि यहीं इतना अपॉर्चुनिटी मिल गई है, व्यापारियों को लाभ हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा व्यापारी खुश है, सारा बीजेपी की तरफ बहुत ज़्यादा सब कुछ 100%। देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि व्यापारी जो हैं वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, उनका लाभ हुआ है बीजेपी सरकार में और खासा उनको जो है वो लाभान्वित हुए हैं, सभी व्यापारी जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में। और जानेंगे सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। अच्छा, किसको वोट देना चाहेंगे इस बार? देखिए जी, हम तो बीजेपी को ही देंगे क्योंकि इसने सबका साथ सबका विकास किया है आज तक, इसने जो है किसी के साथ में भेदभाव ये नहीं किया के ये जो मुस्लिम है या ये सिख है या ये ईसाई है, सबको समान समझा है। अब सपा सरकार या अन्य सरकार सपा जो वो है पार्टी है उनके शीर्ष नेता और अन्य पार्टियों के प्रियंका गांधी जी ये तो सब ये कहते हैं कि राजनीति का जातिवाद की राजनीति करती नहीं, है नहीं, नहीं नहीं राजनीति इसमें राजनीति तो मतलब ही नहीं है क्योंकि सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। बताइए जैसे मकान भी आए शहरों में तो वो किसका नहीं बना, उसने जाति पाति देख के दिया वो मकान किसी को, सबके बने वो मकान। क्यों कह रहे हैं फिर ये तो गलत है ना ये तरीका, ये तो एक लालच की वो चल रही है राजनीति, क्योंकि हम वोट की खातिर आपको ये देंगे वो देंगे ऐसा प्रलोभन दे रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे जो बीजेपी ही छोड़ के गए हैं उन्हें उसमें जो है लालच होता तो वो रुके रहते, और जब उनको कुछ नहीं मिला के योगी सरकार में कुछ नहीं मिला तो वो मंत्री भी छोड़ कर चले गए उन्हें। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं आप, वो जो छोड़ कर गए हैं पार्टी को, तो उनका तो कहना है कि यहाँ पर बीजेपी को बीजेपी ने पिछड़ा वर्गों के लिए अब जो है कुछ भी मदद नहीं कर रही है, उनको सता रही है, इसलिए हमने सरकार छोड़ी है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने सबका साथ दिया है, सबका जो है विकास किया है, बरकरार हुआ है सरकार में। मलाई उन्होंने क्या 5 साल से दिखाई नहीं दिया उन्हें, जो है मलाई खुद बीजेपी में है इससे ज्यादा और क्या लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सत्ता की मलाई जब तक 5 साल चाटी तो खूब मजे से। आप ये नीतीश भारद्वाज जी हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जो प्रियंका गांधी जी हैं वो खुद कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये केवल भाजपा में ही संभव है, लड़की हैं लड़ सकती हैं ये भाजपा में ही संभव है, जब उन्होंने ऐसा नारा दिया। देखिए प्रियंका गांधी जी के नारे को इन्होंने देखिए 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 ऐसा है, अभी इनका 2 महिलाओं का जिले से ही टिकट कटा है, तो आप देखिए कितनी कितनी कटौती महिलाओं की बात की जाए तो नीतीश जी कांग्रेस टिकट के लिए अनीता लोधी जो विधायक थी डिवाई से, बिमला सोलंकी जो विधायक थी सिकंदराबाद से, महिलाओं का कितना सशक्तिकरण करा है वो बीजेपी से देख लीजिए, आप जिले से ही देख लीजिए कितना सशक्तिकरण किया। दूसरी चीज महिलाओं के साथ अगर ऐसा होता अपर्णा यादव जी बीजेपी में नहीं आती, चीज ये है कहीं ना कहीं महिला सुरक्षित है, भैया ने इसी वजह से अपर्णा यादव जी भी हमारी बीजेपी के अंदर आई है, कहीं ना कहीं उनको मुलायम सिंह जी ने खुद ये कहा बहू आप बीजेपी में जाइए आप वहाँ सुरक्षित रहेंगी, ये, तो आपका बहुत बहुत स्वागत वहाँ होगा। ये कह रहे हैं कि इन्होंने इन्होंने 2.5 लाख दिए हैं मकान के लिए, 2.5 लाख दिए हैं मकान के लिए, इनसे 4.5 साल में शहर नगर पालिकाओं और अपने वोटरों पे ही इनका ध्यान था। 4.5 साल में अगर मेरे को कोई ऐसा गांव बता दें, बुलंदशहर में 1200 गांव हैं, अगर मुझे कोई ऐसा गांव आप बता दें जिसमें योगी सरकार के माध्यम से एक मकान गांव में बना हो, नगर पालिका की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नगर पालिकाओं में इन्होंने 600 मकान तो कह रहे हैं कि हमने मकान दिए आवास। देखिए करनी और कथनी में फर्क है, इन्होंने ई टेंडरिंग गांव देहात में कर दी, प्रधान और प्रधानमंत्री दो एक ऐसे खाते हैं जिनमें डायरेक्ट पैसा आता था, इन्होंने प्रधान पर रेस्ट्रिकेशन लगा दिया, प्रधान 2 लाख से ऊपर का काम नहीं करा सकता, वहाँ पर
जो ठेकेदारी जैसे होती थी 30-35% का वहाँ कमीशन आज हो रहा है। आप देखेंगे कि 25 दिसंबर को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद कितना गदर सचिव सेक्रेटरी वीडियो ने मचाया है। एक एक पंचायत पर 40-40, 50-50 हजार रुपए निकाले गए। आज तक गौशाला के पैसे, जहाँ इन्होंने गौशाला खोली हुई है वहां जाके देखिए गाय भूखी मर रही है। उदाहरण में बता दूंगा आपको, गाय खाने के लिए चारा नहीं है, गले में नारंगी पट्टा डालने के लिए नहीं होता है। ये बताइए कांग्रेस इनके संजीव बालियान ने बयान दिया पंडितों पर, ब्राह्मणवाद पर, ये कहा कि पंडितवाद चल रहा है। अब इनसे परिभाषा सीखेगा कोई पंडितवाद की? 700 ब्राह्मणों की इन्होंने 4.5 साल में हत्या करा दी, इनसे कोई ब्राह्मणवाद सीखेगा? आज ब्राह्मण एक एक ब्राह्मण जिले का, कहीं पे भी हर जगह चले जाइए ब्राह्मण एक एक खिलाफ है इनके। सिर्फ वो ही साथ हैं जो पदाधिकारी हैं, केवल ब्राह्मण इनको वोट नहीं देगा। कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? क्योंकि बुलंदशहर सदर की अगर बात करें तो यहाँ के जिलाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है और सातों विधानसभा सीटों पर जो टिकट गए हैं उसमें से नाखुश हैं, जिनको टिकट बांटे गए हैं उनके, जो लोगों के टिकट कटे हैं। देखिए जिलाध्यक्ष जी की कार्यशैली पर मैं सवाल ज्यादा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो खुद अपने आप में संदिग्ध घेरे में है। वो तो केवल संदिग्ध घेरे में है। वो खुद भी अपने जिला कांग्रेस कमेटी पर अगर उन्हें इस्तीफा देना था तो उन्हें आके जिले के लोगों को सहमति जतानी थी, उनके सामने इस्तीफा देना था। वो खुद संदिग्ध के घेरे में है कि उन्होंने क्या किया है, जहां आवेदन हुए उनमें घपला सुनने में आ रहा है कि सुनने में आ रहा है कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं वो टिकट की उम्मीद लगा रहे थे, उनका टिकट कट गया इस वजह से उन्होंने इस्तीफा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो 25 साल से टिकट मांग रहे हैं, वो कभी लड़ना ही नहीं चाहा उन्होंने कभी लड़ना ही नहीं चाहा, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और आज की स्थिति में उन्हें एक मौका और मिल गया और वो विड्रॉ कर गए, एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो सच्चे कांग्रेसी होते, क्योंकि वो बीजेपी से, सपा से, बसपा से निकल कर आए थे, तब उन्होंने कांग्रेस की यहाँ जिलाध्यक्षी कब्जा रखी है। क्या कहना चाहेंगे, प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है और वो लगातार काम कर रही हैं लड़कियों के लिए। तमाम जो मैनिफेस्टो रिलीज किए हैं उसमें स्कूटी देंगे और सारा चीज जो है उन्होंने रिलीज करे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना कामगार साबित होगा चुनाव? मैं तो ये कहूँगा कि इतनी सारी सरकारें वोट मांगने के लिए रिश्वत क्यों देती हैं? नहीं, मैनिफेस्टो है, बीजेपी भी रिलीज करती है। आप देखिए, स्कूटी देंगे, आप कांग्रेस सरकार कह रही है आप हमें टिकट दो और हमारी सरकार बनवाओ हम स्कूटी देंगे, तो ये चुनाव से पहले स्कूटी क्यों नहीं दे रहे? पंकज जी, ये अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो ये बीजेपी भी रिलीज करती है और किया भी है, टैबलेट देंगे। भाजपा ने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी तो कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए, एक पार्टी ने ये भी कहा है कि अगर हम मुख्यमंत्री बन गए तो हम बिजली मुफ्त देंगे। अरे 2017 से पहले आपकी सरकार की जब कहीं बिजली आई? जब योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शपथ ग्रहण की 2017 से, उन्होंने 24 घंटे लाइट दी है। नहीं तो 2017 से पहले इतिहास उठा के देख लीजिए, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह लाइट नहीं होती थी, दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लाइट नहीं होती थी, और कभी कभी व्यापारी जब घर आता था तो रात को 8 बजे से 10 बजे लाइट नहीं होती थी। और ऐसा भी हुआ है कि रात को जब सो गए लोग तो उसके बाद में देखा कभी लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर लाइट बनता था। तो उत्तर प्रदेश में 2017 से 24 घंटे लाइट है। और देखिए गुंडागर्दी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी। आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं, आज हमारी बहन बेटी मार्केट में जा सकती है, आज हमारी माताएं बहनें स्कूल में पढ़ाने जा सकती हैं, आज हमारा व्यापारी सुरक्षित है। आप ये देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी 2017 से पहले चिट्ठियाँ आती थी कि 2 लाख रुपये दे दो व्यापारी को, 1 लाख रंगदारी होती थी। आज हमारा उत्तर प्रदेश बदमाशी से, गुंडागर्दी से, माफिया से, चोरों के, गुंडों से मुक्त है आज। पंकज जी, हाल की बात करें अगर तो यहाँ पर बीजेपी के चेयरमैन हैं मनोज अग्रवाल जी, उनपे भी रिश्वतखोरी का इस बार व्यापारियों ने खुद ने आरोप लगाया है, 10-10 लाख रुपए की रंगदारी का FIR भी दर्ज हुई है उस पर। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मनोज गर्गी नगर पालिका जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कार्य किया है, पर उनके कार्य से जनता खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने कार्य तरीके से नहीं किया है। अगर वो जनता को साथ लेके, व्यापारी को साथ लेके अगर कार्य करते तो वो जनता खुश होती, केवल उनका यही कारण है। ये मानते हैं आपकी वो जो है अभी उन्होंने कार्य बिल्कुल ठीक नहीं किया है यहाँ पर जब तक उनका कार्यकाल, मतलब कार्य किया है, कार्यकाल अच्छा रहा है, पर उन्होंने जनता से, पब्लिक से मिलके कार्य नहीं किया है, उन्होंने जो है इसीलिए कार्यकाल अच्छा नहीं रहा उनका। व्यापार संगठन के अध्यक्ष रहे हैं राकेश मित्तल जी, उनका कहना था कि परसों योगी जी आए थे, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है व्यापार मंडल की। देखिए,
इनका नगर पालिका चेयरमैन रंगदारी मांग रहे हैं 10-10 लाख रुपए की चार व्यापारियों से। और बताइए 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 योगी जी ने इतनी जरूरत नहीं समझी कि यहाँ के व्यापार संगठन, कल उन्होंने एक ट्वीट करा कल लूटते हुए आए हैं। तो इन्हें भाई साहब 70 साल आपकी गलत आपने रंगदारी कितनी की थी? रंगदारी कितनी की थी? मुझे 10 लाख रुपए मांगे उसमें है, सीधी सी बात है उसमें भैया। ये हिस्सा तो आप देखिए कि आपने मांगे 70 साल बीजेपी के थे ना वो, तो आप पहले पार्क की स्थिति देखिए, आप कहाँ खड़े पार्क में खड़े हो, देख के आइए पार्क नहीं चलता है। रोजगार बिजली की बात कर रहे हैं, ये 7.5 रुपए यूनिट जिसको कह रहे थे कि एक टन कोयला बचा है पूरे देश में एक टन कोयला बचा है बिजली की 7.5 रुपए यूनिट। अरे चुनाव होदाने दीजिए, चुनाव के बाद अगर इनकी सत्ता आ गई तो 10 रुपए यूनिट होगी, 12 रुपए प्राइवेटाइजेशन में बेचने को इन लोगों ने तैयार कर दिया बिजली यूनिट को। भैया इनको लगता है इनकी सत्ता आई नहीं रही, जब तक कह रहे हैं कि सत्ता आ जाए, हमारी तो आई रही है। आप अपनी बताओ, आप तो पता नहीं कब से नहीं आए, 25 साल से बेचारे वो टिकट मांग रहे थे, 25 साल से टिकट नहीं मिला, बेचारे छोड़ के चले गए। ये होता है इनकी पार्टी में, वो एक सच्चे कांग्रेसी नहीं थे। अगर सच्चा कांग्रेसी होगा वो संघर्ष करेगा भैया, 25 साल करेगा और रुकेगा। तेजी आप कह रहे हैं सच्चे कांग्रेसी, जिला अध्यक्ष सच्चे कांग्रेसी नहीं थे। देखिए बहुत बड़ा इन्होंने जिला अध्यक्ष कांग्रेसी नहीं थे, 25 साल से वो सच्चे कांग्रेसी नहीं हुए, केवल यही है सच्चे कांग्रेसी। परिस्थितियों में जिलाध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते, उसके सामने डटते, स्थिति क्यों आई, इस्तीफा उनका अलग मैटर है, उन्होंने क्या किया नहीं किया वो देखेंगे। केवल मनोज का की बता है, आप अपने जिला अध्यक्ष की बताइए। इस्तीफा तो स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री ने भी दिया है मलाई चाट रही, उन्होंने जब इनकी सरकार आएगी तो ये भी अपने 5 साल मलाई चाटेंगे फिर बीजेपी में आ जाएंगे, ये भी ऐसे करते हैं। इस्तीफा दिया है ना, बेटी देखिए उनकी सांसद है, उनकी बेटी सांसद, उन्होंने ये बात खुद कही है कि मोदी जी ने मुझसे ये कहा है कि आप मेरी बेटी हो। नहीं, उनका कहना ये भी है कि भाजपा पिछड़े वर्गों का सम्मान नहीं करती है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। क्यों नहीं करती है? मैं भी तो पिछड़े वर्ग से आता हूँ, क्या मेरा सम्मान नहीं है? ये ब्राह्मण हो गए, नहीं नहीं भैया 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 मैं नाई हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं नाई हूँ, मैं उस तरह चलाता हूँ, साफ कहता हूँ। दीक्षित लगाया ना आपने, मुझे तो पता ही नहीं लगी। अब यही तो संकोच है, इसीलिए योगी को लोग जो योगी है मठ में बैठे हुए लोग तरह तरह के भंगदार जो है कपड़े पहन लेते हैं, उन्हें ब्राह्मण समझ बैठे थे। कोई भी हिंदू कौन हो रहा है? ब्राह्मण बनना हो रहा है? मठ में बैठ सकता है भाई साहब? मठ में सुनो, मठ में कोई भी हिंदू सनातन धर्म बैठ सकता है? आपने भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जातिवाद खत्म किया। आप ये देखिए, गाड़ी पर लिखा रहता ठाकुर, गाड़ी पर लिखा था चौधरी, जाति पर गाड़ी पर लिखा था जाट, गाड़ी पर लिखा था ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब हटाइए, गाड़ी पर स्टिकर हटवा दिए, हम हैं हिंदू और हिंदू बन करेंगे। ये जातिवादी खत्म करा दिया। ब्राह्मण कौन है? हिंदू। ठाकुर कौन है? हिंदू। चौधरी कौन है? हिंदू। तो इसका मतलब ही नहीं है कि कोई नाई है, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण, हम हैं हिंदू। हमारे मुख्यमंत्री जी ने करा और हमें हिंदुत्व की पहचान है। और जब वो उत्तर प्रदेश में आए और गए, दो शख्स ऐसे आए पूरे भारतवर्ष में, मोदी जी और योगी जी, हमें हिंदू की संस्कृति याद दिला दी इन्होंने। उन्होंने गंगा मैया की आरती करी, किन्होंने? योगी जी ने, मोदी ने। गंगा की आरती करते गए, महादेव की पूजा करते गए, ये कृष्ण भगवान की पूजा। ये बताइए 13 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें 3 मंत्री भी शामिल है, क्यों दे दिया? क्या 13 विधायकों ने इस्तीफा दिया है बीजेपी से, जिनमें 3 मंत्री भी शामिल है, बड़े चेहरे हैं, जो माना जाता है कि जिस पार्टी में जाते हैं उसकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं, ऐसा वो खुद भी दावा कर रहे हैं। वो उनका भ्रम है, अगर वो चाहते तो अपनी बेटी को साथ लेके आते, क्यों नहीं लेके आए? बेटी तो आज ही वही है, सत्ता की मलाई चाटने के लिए 5 साल होती है, बस 5 साल गई, अपने पार्टी चेंज करो, बेटी को लेके आओ अपने साथ। बेटी ने तो पिता ही अपने मोदी जी को मान लिया, स्वामी प्रसाद जी को माना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सदा ही ऐसे कर बसपा तो बसपा, सपा तो सपा, भाजपा तो भाजपा, अब भाजपा तो गई फिर से दोबारा सपा, इससे ज्यादा और क्या देखेंगे आप? योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जब मठ का बहुत बड़ा एक फंड उन्होंने रिलीज उठाया है, और उसका लोगों को जो है क्यों बेनिफिट नहीं दिया गया? जो वहाँ पे बनारस में इतने मंदिर तोड़ दिए गए, इतने वहाँ की साहब सौंदर्यीकरण की जरूरत नहीं है? आज रोजगार नहीं है लोगों के पास, शिक्षा नहीं है लोगों के पास। आज देखिए चुनावों के लिए बड़ी बड़ी रैलियाँ तो हो रही हैं,
मगर इनके पास स्कूल खोलने का, स्कूल के लिए कोई शिक्षा के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, रोजगार के लिए प्लानिंग नहीं है, सब इन्होंने जो है गिरवी रख दिया है देश का हर चीज़ इन्होंने जो है शिक्षा को लेके तमाम संस्थाएं बर्बाद कर डाली। आज उन्हीं शिक्षा संस्थानों में जहां ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया 70 साल में कांग्रेस ने, 70 साल इनको गिनती शायद भूल जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी गिनती नहीं आती है, उसमें 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भी हैं और उनमें 7 साल उनके भी हैं स्वयं के। मेडिकल बीमा उनका, ये था हमारे साथ बुलंदशहर का, यहाँ पर हमने ग्राफ जाना, क्या कहना चाहते हैं, क्या बुलंदशहर की जनता के मन में है और किसको उम्मीदवार देखना चाहते हैं, सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी वो देखना होगा 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद, और 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद ये साबित हो जाएगा यूपी का मुखिया आखिर कौन होगा। बुलंदशहर से शिवांग शर्मा, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं बात करें निर्वाचन आयोग की तो निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ज़मीनी मजबूती तय करने में जुट गई। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ आपको बताते चले ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतता है सरकार उसी की बनती है, ऐसा पिछले 10 सालों में देखा गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं और हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे आखिर राजधानी लखनऊ में क्या है लोगों का चुनावी मूड। क्या नाम है? यासीन। अगले महीने चुनाव होने हैं, 23 तारीख को राजधानी लखनऊ में चुनाव होने हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बन जाएगी? सपा की सरकार बनने के चांस है। इन 5 सालों में मौजूदा सरकार ने जो भी काम किए हैं उसको किस तरह से देखते हैं आप, उनके कामों से संतुष्ट हैं या? संतुष्ट नहीं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है, उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और भ्रष्टाचार भी काफ़ी बढ़ गया है, और तहत के युवाओं को नौकरी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, नहीं मिली, महंगाई और इस मार से परेशान है जनता। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या नाम है सर। जी, मुजम्मिल नाम है हमारा। अगले महीने राजधानी लखनऊ में चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है, क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल है विपरीत है, जो मौजूदा सरकार है उसके विपरीत ही है। और क्या कह सकते, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, लगातार सरकार कहती आई है कि तमाम तरह का जो विकास है वो इन 5 सालों में हुआ है, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के कड़े कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसको? सरकार अपनी बखान कर रही है, लेकिन जो हालात उत्तर प्रदेश के अभी हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे उन्नाव का ले लीजिए आप, महिला सुरक्षा के कारण और देश के विभिन्न इलाकों में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न और बालिकाओं के साथ जो बलात्कार होते हैं वो भी, और भ्रष्टाचार, रोज़गार तो आप जान ही रहे हैं, मीडिया लोग भी दिखाते हैं कि रोज़गार क्या है, युवा जो है बेरोज़गार होता चला जा रहा है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? सरकार देखिए अब किसकी आ रही है ये तो पब्लिक तय करेगी, और मेरा जैसे ओपिनियन है कि एक अच्छी सरकार आए जो युवाओं को रोज़गार दे और अच्छा प्रदेश चले। हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज 26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं, और मुल्क बढ़ता रहे, ऐसी सरकार आए, ऐसी सोच वाले लोग आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोधी आशीष राजपूत है, और जैसा कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए कहा। चुनाव आने वाले हैं, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या माहौल है यहाँ पर सरोजनी नगर विधानसभा के लोगों? सर्वप्रथम मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सरोजनी नगर विधानसभा की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मेजोरिटियाँ होती है, सबका अपना अपना जो है मत है, लेकिन मैं इतने छोटे प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस तरह की बातें आ रही हैं, सामने आ रही हैं, तो तय है कि जो वर्तमान सरकार है ये अपने पतन की तरफ बढ़ चुकी है। क्यों? उसका रीज़न है कि उसने इंडिया की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार कर दिया है, जो यहाँ का युवा था उसके भविष्य से इन्होंने खेल लिया है और किसान के भविष्य से खेल लिया है। तो अब आप सभी लोग जान सकते हैं कि बैकबोन पे प्रहार करने का मतलब होता है कि देश को ही बर्बाद कर देंगे। अब तो किसान बिल भी वापस हो गए हैं, किसान घर भी चले गए हैं, और जिस तरीके से कोरोना काल में देखा गया किस तरह से सरकार ने लोगों को राशन बांटे, तमाम तरह की, ऐसा सरकार कहती आई है, तमाम तरह के जो काम हैं वो इस 5 साल के कार्यकाल में सरकार द्वारा किए गए, और तमाम तरह के जो फ्लाईओवर्स हैं, विकास का काम है, जिस तरह से सरकार अपने कामों को गिनाती आई है, तो किस तरह से देखते हैं इन 5 साल? देखिए, निष्पक्ष में बोलूँगा, अगर सरकार कह रही है कि हमने फ्री अनाज बांटे हैं तो वास्तविकता है सरकार ने बांटे हैं, मिल भी रहा है,
ठीक है, और फ्लाईओवर्स है, तो बीजेपी का जो पहले का भी रहा है कि वास्तव में ये रोड रोड बनवाती है, पहले से इनकी चतुर्भुज स्वर्णिम जो योजनाएं हैं वो हैं, तो ये बात तो मैं कहूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री में कुछ दे रहे हो तो हम लोगों के सारे सार्वजनिक कंपनियों को बंद करवा दो, हम लोगों के विकास बंद करवा दो, हम लोगों की जो है जो हम लोग बातें कहें उसका जो है आप खुलेआम से कत्ल कर दो, ये सब नहीं होना चाहिए। छात्रों के ऊपर जिस तरह से इन्होंने लाठीचार्ज की, NTPC रिजल्ट में आपने गड़बड़ी की, ठीक है, उसका नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो इतना टफ है, कुछ समझ में नहीं आता, इसरो का साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहा, आप समझ पा रहे हैं, कुछ बेढंगे अधिकारी हैं जिनको वही पेपर खुद दे दिया तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम लोग से उम्मीद करते हैं कि सॉल्व कर लें हम लोग, ठीक है हम लोग सॉल्व भी कर देते हैं, जब सॉल्व कर भी देते हैं तो भी तुम नौकरी नहीं देते हो, मतलब क्या बना रखे हो, नहीं ये सब कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार ये कहती नजर आती है कि इन 5 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सुधरी है और तमाम अपराधियों को पकड़ा गया है, धरपकड़ भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो इन 5 सालों में जो कानून व्यवस्था की स्थिति रही है किस तरह से देखते हैं? आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जज भी लोग हम लोगों की तरह धरने पर बैठ गए थे, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जज अगर जिस सरकार में धरने बैठ जा रहा है तो आप उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं कि वो जब जज धरने बैठ जाते हैं तो हम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसमें जिस तरह से लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर लोगों में रोष ज़रूर है, और कानून व्यवस्था जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरह सरकार कहती आई कि कानून व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सुधरी है इन 5 सालों में, लेकिन इसको लेकर भी लोग कहीं ना कहीं असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है? पंकज यादव नाम है। अगले महीने चुनाव होने हैं और राजधानी लखनऊ की बात करें तो 23 फरवरी को यहाँ पर मतदान होने हैं, क्या लगता है इस बार क्या चुनावी माहौल है और क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं, क्योंकि महंगाई देखा गया है जिस बार कि काफ़ी बड़ा अहम मुद्दा बनता जा रहा है, जिस तरीके से रेट हैं तमाम तरह की चीज़ों के वो बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस बार क्या माहौल है चुनावी? इस बार माहौल बहुत ही बदला हुआ है, क्योंकि हर वर्ग परेशान है, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, और चाहे दलित पिछड़ा वर्ग हो, हर वर्ग परेशान है, इस सरकार ने सबको परेशान कर रखा है। सरकार तो कहती आई है कि हमने कोरोना काल हो, फ्री वैक्सीन दिया, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सही किया, तो क्या लगता है इन तमाम चीज़ों को, इन कोरोना के बाद कई सारी नौकरियां भी लोगों की चली गई, बेरोज़गारी का रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या लगता है जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है? जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, हर वर्ग परेशान, मैंने कहा ना आपसे, क्योंकि युवा वर्ग को नौकरी नहीं दी जा रही, अगर वो नौकरी मांग रहा है तो उसको लाठियाँ बरसाई जा रही, उस पर जो है केस लगाए जा रहे हैं, और अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में जो है पहले जो दलितों पिछड़ों को था कि पहले फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती थी, आज की डेट में ये सिचुएशन है, पहले फीस भराई जाती है उसके बाद शिक्षा दी जाती है। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? सपा। जी, समाजवादी पार्टी की सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती नजर आती है कि इन समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडा राज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कानून व्यवस्था काफ़ी ध्वस्त हो जाती है, क्या कहेंगे? बाबा जी पहले अपने गिरेबान में झांक के, उनके राज में, उनके समय में इतनी ज़्यादा बलात्कार, इतनी ज़्यादा हत्याएं, जितनी ज़्यादा उनके शासन में हुई उतनी किसी शासन में नहीं हुई, और ये अपने गिरेबान में न झांक करके अखिलेश यादव को गलत बोल रहे हैं। जिस तरह से लोगों का साफ तौर से कहना है, कहीं ना कहीं लोगों में रोष ज़रूर है, और ख़ास तौर पर बात करें सरोजनी नगर विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर काफ़ी पीछे जा चुका है और विकास काफ़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, इसको लेकर अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को कौन बैठता है मुख्यमंत्री की सीट पर और किसका होता है राज अभिषेक। लखनऊ से अजहर खान, प्राइम टीवी। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड, कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।